हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए D++B का MLT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि जिसके मैंने दो पार्ट्स ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों का। द हार्ट रेट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड ब्राइडिया कार्डिया ब्राइडिकार्डिया। तो जो हार्ट रेट बीट्स होती है, अगर कौन सी बीट से अगर होगी तो जिसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लेस देन 60। अगर 60 पर मिनट बीट्स है अगर हार्ट रेट, तो उसको ब्रैडीकार्डिया कंडीशन हो सकती है, या फिर कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों का। विच द प्राइमरी विजुअल एरिया इन द ऑसिपिटल लोब कोरस्पॉन्ड टू एरिया इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो प्राइमरी विजुअल एरिया होता है ऑसिपिटल बोन के अंदर, वो कितने कोरस्पॉन्ड एरिया होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 17। क्वेश्चन नंबर 23 है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेलाइजेशन मेथड ऑपरेट बाय अ ड्राई हीट। ड्राई हीट मेथड के थ्रू कौन से स्टेलाइजेशन है इस चार ऑप्शन में से, जो कि ड्राई हीट मेथड से करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में जो स्टेलाइजेशन करते हैं वो ड्राई हीट मेथड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑटोक्लेव वर्क एट टेम्परेचर ऑफ। ऑटोक्लेव जो होता है कितने टेम्परेचर पे वर्क करता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये वर्क करता है ऑटोक्लेव। नॉर्मल इसके एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो इसका 121 डिग्री सेल्सियस होता है 15 LPS प्रेशर पे। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का। स्टुअर्ट्स मीडियम इज एन मीडिया। स्टुअर्ट मीडियम जो होता है इज अ डैश मीडिया। किस तरीके का मीडिया होता है स्टुअर्ट मीडिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसपोर्ट मीडिया। एक तरह का ट्रांसपोर्ट मीडिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों का। द सैंपल इज टू बी कलेक्टेड इन अ केस ऑफ स्टेफाइलोकोकल मेनिनजाइटिस टू डेमोन्स्ट्रेट द लेजन इज डैश। जो स्टेफाइलोकोकस मेनिनजाइटिस का सैंपल आप कलेक्ट करते हैं तो किस तरह के लीजन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये पूछा गया है आप लोगों का। या फिर कौन सा सैंपल लेते हैं उसमें स्टेफाइलोकोकस मेनिनजाइटिस के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या फिर CSF। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों का। विडाल टेस्ट इज डेमोन्स्ट्रेट द एंटीबॉडीज ऑफ। जो विडाल टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कौन सी एंटीबॉडीज के लिए करते हैं, या फिर कौन से उसके लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सालमोनेला। क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोगों का। द BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रोटेक्शन फॉर। जो BCG वैक्सीन है वो किस तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG वैक्सीन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों का। द थायर मार्टिन सिलेक्टिव मीडियम इज यूज इन अ कल्चर। द थायर मार्टिन सिलेक्टिव मीडियम है वो किस तरह के कल्चर के लिए यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, नाइजीरिया। नाइजीरिया के लिए थायर मार्टिन सिलेक्टिव मीडियम का यूज होता है कल्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों का। आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया विच शो इंडोल पॉजिटिव, यूरेज नेगेटिव एंड मिथाइलेट पॉजिटिव। इन चार ऑप्शंस में से कौन से बैक्टीरिया के जो वाई केमिकल टेस्ट दे रखे हैं ये कंडीशन फॉलो करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, एस्टेरिचिया कोलाए। एस्टेरिचिया कोलाए का इंडोल पॉजिटिव होता है, यूरेज नेगेटिव होता है और मिथाइलेट पॉजिटिव। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।